हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है वही सेम डे वेनसडे जिस दिन मैंने ब्लॉग एंड किया था। ब्लॉग एंड करने के बाद बस मैंने एडिटिंग वगैरह किया एंड अपलोड पे लगाया। बस मैं आ गई थी अभी किचन में, यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। तो इडली बनाऊँगी, डोसे का जो बैटर है वो बस नीचे से ले आए थे, जो पैकेट मिलता है ना वही ले आई थी। एंड यहाँ पे थोड़ा सा घी जो है वो मैं ग्रीस कर रही हूँ। यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट मेरे पास था, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ यहाँ पे जैगरी पाउडर, गुड़। आप चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो, पनीर वगैरह भी इसमें मिक्स कर सकते हो। ये उड़ीसा में बनता है स्टफ़्ड जो इडली है ना, एक स्टफ्ड इडली मीठा मीठा बनता है। तो बस इडली का बैटर लिया, उड़ीसा में कैसे बनता है ना, इडली का बैटर लेते हैं, देन वो जो स्टफिंग बनाया ना वो उसको ऐड करते हैं, देन ऊपर से और थोड़ा सा बैटर ऐड कर देते हैं ताकि वो स्टफ़ होकर रहता है। बट ये जो मेरा इडली का बैटर का सॉरी जो मतलब जो ये है ना इडली मेकर, ये काफ़ी छोटा है, तो मैंने बस स्टफिंग जो है ऊपर ऐसे ऐड कर दिया है। तो बस इसको मैं स्टीम कर लूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट के बाद उसको स्टैंडिंग टाइम और 10 मिनट छोड़ दूँगी। तो ये बस जो मीठे वाले स्टफ्ड इडली जो है कोकोनट वाले, ये बन के रेडी है। तो मम्मी को बस ब्रेकफास्ट दे दूँगी, देन फिर मैं लंच की तैयारी वगैरह करूँगी क्योंकि फिर हनी बनी को लेने भी जाना है। तो यही सुबह का टाइम जैसे नॉर्मली रहता है, वही थोड़ा सिम्बा बेबो के साथ खेल। मेरे पीछे पीछे भाग रहा है कि मुझे प्यार कर। व्हाट? आ देखो आया वो। वो सो जाएगा, देखो जैसे ही टच करूँगी सो जाएगा कि प्यार कर। देखो मुझे उसको चाहिए बोले ऐसे प्यार कर, मुझे लेट जाएगा और प्यार कर मुझे, ऐसे भोला भाला है। जैसे ही उठ छोड़ दोगे ना फिर खड़ा हो जाएगा, फिर बोलेगा वाह। देखो कौन हो? हाँ कोई खाली गल कर जा, मामू पाकू जा। सर पड़ेगा ना, बस सर पड़े देख दे कुंडे दे लो वो उद्दा है जी। वो ये बात में बस लग रहा गीला होके देखो तो सो गया ना। चाय पी? वो चाय पी नहीं, चाय 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 सिंबु चाय। यहाँ पे देन कपड़े वगैरह वॉश करने थे, तो वो सब मैं आज लाइट कलर के जितने भी है वो सब वॉश करी हूँ। स्टोर रूम की हालत भी ख़राब है, देखो बेबो को देखो वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गई, तो स्टोर रूम की हालत भी थोड़ी सी ख़राब है। वो मैं सब बाद में धीरे धीरे क्लीन करूँगी एक एक करके, अभी तो मैं ऐसे जैसा है सब वैसे ही छोड़ रही हूँ। देन मैं आगे लंच बनाने के लिए, कल आपने देखा होगा हम लोग गए थे फिश मार्केट, ये बड़े साइज़ का जो प्रॉन्स है ना मम्मी को बहुत पसंद है, तो ये हम लोग लेके आए थे। तो उसको कल क्लीन करके हल्दी नमक ऐड करके बस उसको मैरिनेट करके फ्रीज़र मैं रख दिया था। तो बस ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी देन बस इसका करी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉन्स है वो सारे मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिए हैं। सेम कढ़ाई में मैंने थोड़े से आलू भी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हम लोग नॉनवेज में आलू ऐड करते हैं, आप लोगों को पता है। तो बस आलू को भी फ्राई करके निकाल देंगे। सेम ऑयल में यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो भुन लूँगी। मसाला भुनने के बाद इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का टमाटर वो लिया है, टमाटर सॉफ्ट होने तक उसको भी भुन लेंगे। देन इसमें बेसिक पाउडर मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करके इसको भी भुन लेंगे। तो बस मसाला भुनने के बाद इसमें पहले जो है वो आलू जो है वो ऐड करके, जो फ्राई किया हुआ आलू वो ऐड करके उसको हल्का सा भून के, देन इसमें मैं ऐड कर लूँगी गरम पानी। तो बस पानी में बॉईल आ जाएगा अच्छे से, देन इसमें हम लोग फ्राई किया हुआ जो प्रॉन्स है वो हम लोग ऐड कर देंगे। ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह इसमें डलता नहीं है, प्रॉन्स का जो मतलब उसी से ही करी का जो स्वाद है वही आ जाता है बड़े साइज़ के प्रॉन्स से ही। तो बस यहाँ पे पानी में बॉईल आ गया था, तो ये प्रॉन्स जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। एंड कुछ थोड़े बहुत प्रॉन्स जो मैंने निकाल के रख दिए हैं कल के लिए, पोई साग बनाऊँगी उसमें ऐड करूँगी। बस ये देखिए करी बन के रेडी है, ऊपर से बस धनिया पत्ता एंड हल्का सा गर्म मसाला जो है वो ऐड कर दूँगी। हुई सिम्बा पूरा अपना नाम को जस्टिफाई कर रहा है, बैठा कैसे? पहाड़ों में जैसे बैठते ना, और इनके बच्चे गोया गोया गो 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 गोला गोला बेबो गोला दो उठ जा। झगड़ा बड़ा दे बड़ा दे।
खेल उनका स्टार्ट हो गया। अभी पूरा भागम दौड़ी पूरे घर में करेंगे। थोड़ी देर इधर बैठ के वो पिजन को देखेंगे। पिजन जैसे उड़ेगा ना, ये जाके अपना सर जो है कांच पे टकराएंगे। डुगू डुगू बोल रहे सिम्बा, पिजन कहाँ है? हे जाओ जा। उन छिल रहे जैसे अभी पकड़ लेंगे। नकली बिल्ली, तेरे आंखें ब्लू से व्हाइट कैसे हो गई? कलर कलर लगाया था आंखों में, लेंस लगाया था, लेंस लगाया था, लेंस। भागा, जा जा, छाड़ तक छाड़ तक जीवो जा। चलिए गाइस, अभी मैं निकल रही हूँ हनी बनी को स्कूल से लेने के लिए। बार बार मेरा ध्यान वहीं पे जाता है कि क्या कर रहे होंगे क्या कर रहे होंगे, देखते हैं। चलिए गाइस, मैं लेके आती हूँ हनी बनी को। खाना तो रेडी है, बस आने के बाद मैं उनको हाँ खिला के सुला दूंगी थोड़ा सा। आज आज इवनिंग को हमें जाना है दीप्ति के घर। दीप्ति ने इन्वाइट किया है भाई मम्मी हम सबको डिनर पे, तो उनके घर भी जाना है आज शाम को। तो बस लंच का ही था, बाकी तो और कुछ काम नहीं है। बस शाम को जो चाय वगैरह बनेगा फिर हम उनके घर जाएंगे डिनर पे। Today you are sleeping? Yes, I'm doing it. This is so hot. Okay, you are sleeping in school today or not? Little bit. You finish your food? Mama, yeah. I kept my ID card in the front and why you didn't make me wear? Oh, is there in your bag? Yes. It's okay. Honey, you keep your ID card in you the bag. Chalo, now sit down. We'll go home. Where? Home? Where home? What? Chalo. Say bye to everyone. Wait, I need to zip my bag full. Don't close the phone. Okay. Don't close the phone. Wait. You'll say bye? No, wait. When you say bye? Bye. It's still on the phone. Don't off for a minute. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Now sit down. हनी मम्मी से पूरा उड़िया में बात करते है। हाउ यू टॉक विथ आई? मु बुझुची। कौन कहलु तू आई को? आई को कहलु खेलिबु? आई कौन कहला? आई कौन हा? हाँ, मम्मी से पूरा उड़िया में बात करते है हनी बनी, पूरा उड़िया में। Thank you. Where is E? हनी बनी आके नहा के खाना खा चुके हैं। मैं बस खाना खाऊंगी, देन उनको थोड़ा सा सुला दूंगी। I love you. कौन खेली बो? इटिकली खेलिल भाई संगरे के में कौन सेटा देखो कहिलु तू कहिलु तू देखे इटिकली मिटिकली फुटी गला काइया तो बोर अबोर बेगु पाइंच। हां देन तबरे बेगु लो डाली पे 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 फुल यू लर्न फुल ओके देन व्हेन आई विल गो वी विल प्ले ओके।
सो गाइस गुड इवनिंग, अभी हम लोग जा रहे हैं दीप्ति संगीता के घर जो ऊपर वाले फ्लोर। सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? आप बताओ आप लोग कैसे हो? मैं नहीं बोलूं क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, थोड़ा सा आ नहीं पा रहा हूँ इसके लिए। मैं अब बोलूंगी नहीं उनको कुछ भी, वो अगर आके मुंह दिखाएंगे दर्शन देंगे तो देंगे आप लोगों को, वरना मैं नहीं जब बोलूंगी। हम कौन है भाई दर्शन देने वाले? हम हैं आपके अपने जी। कितने अपने हैं आप लोगों को पता चल रहा हो? तो भाई थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, तो उससे पहले तो आजकल मेरे को एंडिंग व्लॉग में भी नहीं ले रही है, क्या चक्कर है? क्यों लूं? मजाक क्यों लूं? वैसे तो बड़े बड़े दावे हैं, मेरा चैनल है, चैनल पे एक 5 मिनट का अपीयरेंस भी नहीं होता, इतना ऑक्यूपाइड के बताओ। अगर चैनल पे 5 मिनट नहीं दिखते आप सोच लो, मतलब हम मुझसे तो 2 मिनट भी बात नहीं होती है दिन भर में, 2 मिनट भी नहीं। तो चलो आज इससे बेटर है ना, फोन इंडिया में रहो, एग्जैक्टली एक 4-4 घंटे बात करते हैं फोन पे, पास में रहते हो तो बात नहीं होती, तो आज हम दूर रहो तो फोन आज पे हम बात पूरे 2.5 मिनट तक बात करेंगे। चलो लेट्स गो। बेबो अब भाग रही थी बार बार। वेरी गुड, सी मैं मेरे बच्चे ने मेरे लिए कार्ड बनाया आई लव यू वाला, एसी सर्विसिंग के पीछे। बेबो खाली आज भाग रही है शाम से, जैसे मतलब बच्चे बाहर खेले कर रही है, जैसे दरवाजा ओपन कर भागो। मेरे को पिटवाने के काम क्यों करता है? पहले डैडा को बोलने दिया कर, तुम पहले पहुंचे तो डैडा को फुर्सत ही नहीं है बोलने की, ज्यादा बढ़ जाती है डैडा को फुर्सत नहीं है बोलने की। लेट्स गो। क्या क्या देख लो वो लोग उनके घर के थोड़ा बहुत नमकीन लेके आए, क्योंकि वो दोनों मिठाई नहीं खाते हैं तो नमकीन देख लो। फनी 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 नथिंग। हैप्पी के लिए हैप्पी। अनदर टाइम, वन मोर टाइम। सी विच हैंड दिशा एशियन ए। ओनली वन। ओके यू शेयर। ओनली वन यू शेयर है। यू शेयर। बेस्ट बच्चा मैंने ऑरेंज माड़गोल करी खाऊ जे मैंने लोक देहेळ खाऊना डाटा खाए दे ले गोला गोला कौन डाकू जी दीप्ति को पापा पापा आ तो हूं मामा कम कम वेलकम कम कम वेलकम वेलकम आओ जी आओ जी पूरे मोती कर दो ना। Yes. दीरे। Good job. Good job, friend. Good job. Hi. Yes. Ganpati Bappa. गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या जय पटेल। नाना डोरुची की नाना सीट। हो गया मेन कोर्स, आलू गोभी फिश एंड पॉम्फ्रेट राइस द माचो परवल फ्राई। दुबई में ना
बहुत मतलब कंट्री से मैंगोज आते हैं। अभी अनवर सीजन गया, अभी ये छोटा वाला मैंगो आया है। मतलब साइज दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये ऐसे बड़े बड़े दिख रहे हैं बट एक्चुअल में ये साइज देखिए इतना सा है, और उसका गुटली देखिए इतना पतला, तो कुछ ज्यादा ही मतलब, और इतना मीठा, इतना मीठा क्या बताओ, है ना? गुटली को उसमें लगा दो तो शेविंग भी हो जाएगा। बहुत मीठा है, बहुत मीठा, छोटू सा आम काटो तो भी इसमें गुटली बीच में नहीं आता है। काटो, ये देखो इसका गुटली का पतलापन देखो। ये गुटली है और आम इतना मीठा है और बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखिए यही आम खा के इसका मतलब है, इसी आम से बना था, आम के आम और गुटलियों के आम। ये देखो इतना छोटा साइज है, ये हाथ में भी पता नहीं, ये दुबई में कितने तरीके के मतलब आम आते हैं ना, कितने तरह के, कौन कौन ये पता नहीं कौन सी कंट्री का है, ये कौन सी कंट्री का होगा पर पूछना पड़ेगा। वो अनवर जो हम लोग लाते थे वो कौन से, पाकिस्तान से? हाँ वो पाकिस्तान से, वो अनवर का सीजन गया, अब ये वाला आया है शायद, पता करें तो पता, ये पता नहीं कौन से कंट्री का है। फ्रेंडी चलो हमारे घर, चलो चलो बाय बाय फ्रेंडी, उसको बोले छोड़ दो मुझे, मैं भागूंगी। ये एक बेबो है, बेबो, ये एक बेबो जो भागेगी खाली होना, वो उसको घर नहीं जाना है, उसको घूमने जाना है। बाय फ्रेंडी, बाय। अब बोलिए वीकेंड रे, बोलिए चलो डुगु प्रेस, डुगु प्रेस, डुगु प्रेस, डुगु प्रेस, वो डुगु प्रेस प्रेस, बाय 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 बाय। देखो ये और एक हमारी भगोड़ी नींद में होगी, बट हम लोग लिफ्ट के पास होंगे उसको पता चल जाता है कि हम लोग आ रहे हैं, वो दरवाजा खोलते के साथ ही भागेगी। भगोड़ी 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 कहीं की, क्यूटी पाचा क्यूटी पाचा क्यूटी पाचा। देखो उसका बाल देखो, पूरा पौ से इधर पूरा बाहर निकल रहा, पौ दिख ही नहीं रहा है, और सब काटना पड़ेगा ना, स्लिप कर रही है। चलो ओहो ये भी आए हैं आज, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये अंदर ही खेलते नहीं तो साले, फिर चलो बहुत देर लगती है। चलो सिम्बा को कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में, सिम्बा अपने डेन में ही खुश है, सिम्बा यहीं पे खुश। So guys, बस खाना वाना खा के आ गए थे, काफ़ी लेट भी हो गया था, हनी बनी को सुला दिया है, कल उनका स्कूल है, मम्मी भी सो गई है, भाई और जीत लिविंग रूम में बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ एडिटिंग वगैरह करूँगी, एंड बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइज़।